हेलो एवरीवन, आज है 8 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुक्का प्रोटीन के बारे में। 35 रुपये का शेयर है आज। एक्चुअली में बाजार में देखा जाए तो गिरावट है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी है। और मुक्का प्रोटीन का शेयर देखो तो हल्की सी ही सही, लेकिन तेजी दिखा रहा है, जबकि पिछले कुछ टाइम से ये लगातार गिरा था। काफ़ी बड़ी गिरावट हमने यहाँ पर देखी ज़रूर है। और एक दिन की तेज़ी, जो आज की एक्चुअली तेज़ी भी नहीं कह सकते इसको, भरोसा करना कितना सही रहेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी एक दिन की तेज़ी आई थी, गिर गया। एक दिन की तेज़ी आई थी, गिर गया। फिर उसके बाद 3 दिन की तेज़ी थी, हालांकि 2 दिन छोटे छोटे रहे, एक बड़ा दिन रहा, उसके बाद लगातार वापस से गिर गया। तो देखा जाए तो ये लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। बात करना बनता है कि भरोसा कितना कर सकते हैं इसके ऊपर, सपोर्ट कहाँ पर, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 35 रुपये का शेयर है और 1 महीने में 5.5% का डिक्लाइन है। काफ़ी वॉलेटाइल रहा, लेकिन एक दो दिन आते हैं वॉलेटाइल वाले, बाद में वही होता है, गिरावट भी आ जाती है, तेज़ी भी आ जाती है। हाल फिलहाल की लिस्टिंग है इसकी, इसी साल की लिस्टिंग है इसकी। 28 रुपये का इसका IPO प्राइस था। एक्सपेक्टेड था कि भाई साहब 60 रुपये पर ये खुलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तकरीबन 43 रुपीज़ के आसपास खुला और अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल जो है इसका, वो वही लेवल है। उसके बाद लगातार गिरता गया ये, और 2 दिन की बड़ी तेज़ी दिखाई थी, 33 पे जाने के बाद 2 दिन की तेज़ी दिखाई। फिर वापस अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे हो 40 रुपये से, तो ये लगातार नीचे की तरफ गया है। और अगर बीच बीच में जब छोटे छोटे अटेम्प्ट हुए भी है ना, तो वो भी कुछ खास नहीं रहे, वो फिर से इसको गिरावट की तरफ ही लेकर गए हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि कहीं पर एक सपोर्ट, एक बेस नहीं बन पा रहा है। 33 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट मैं कहूँगा कि यहाँ पर है ज़रूर, अगर ये टिक गया तो, टिक गया तो। और दूसरी बात, रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी नज़र रहेगी कि भाई साहब नतीजे कैसे आते हैं इसके। और नतीजे देखो अच्छे आने चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो देखो फिश मील, फिश ऑयल, फिश असोलेबल पेस्ट, मतलब फिश से जुड़ा हुआ काम है इनका, फिशरीज कह लो आप इसको, उससे जुड़ा हुआ इनका काम है। और कंपनी अगर आप देखो तो खराब नहीं है, मेरे हिसाब से अच्छी है, ठीक है। लेकिन रिसेंट लिस्टिंग है, ज़्यादा डेटा इसका अवेलेबल है नहीं हमारे पास। और दूसरी बात यह है कि लगातार इसका ग्राफ अगर ऑब्जर्व करें तो वो नीचे की तरफ ज़्यादा नजर आ रहा है। कंपनी पिछले कुछ टाइम से देखो तो प्रॉफिटेबल ही है, लॉस मेकिंग कंपनी भी नहीं है। लेकिन यही है कि प्रोडक्ट जो बनाती है, चीज़ें जो बनाती है, वो डेफिनेटली अच्छी है, वो कभी यहाँ पर मंदी नहीं आने वाली है, ठीक है, ये चलता ही रहेगा। बस ये कि कंपनी आने वाले टाइम में कौन सा वैल्यूएशन सही है, वो देखना यहाँ पर ज़रूरी है। बिजनेस मुझे इसका खराब नहीं लगता है। इनकी प्रेजेंस अगर आप देखोगे तो भाई साहब कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और गल्फ कंट्रीज वगैरह, ओमान और बांग्लादेश वगैरह में भी देखने को मिल रहा है, विच हेल्प अस इन ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। और ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है यहाँ पर, जो इनका कहना है। और कंपनी देखा जाए तो ठीक है, अच्छी है, कोई बुरी बात नहीं है, बस मेरे हिसाब से अभी मौके नहीं है खरीदारी के यहाँ पर। क्यों, आगे बात करेंगे। क्योंकि देखो वॉल्यूम सबसे पहले अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे बहुत छोटे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, ज़्यादा उतना ज़्यादा बज़ नहीं है इसका, लोग उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदारी या बिकवाली यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हाँ, होगा ज़रूर ये बीच बीच में किसी दिन में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दिखाकर अप्स एंड डाउन्स दिखा देगा, लेकिन देखा जाए तो कोई उतनी बड़ी क्वांटिटी में, उतना बड़ा वॉल्यूम, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का अब नहीं है जो लिस्टिंग के टाइम पे था, ठीक है। लिस्टिंग के टाइम पे भैया लोग पीछे पड़े थे, काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब हुआ था ये, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया था, ठीक है। और बाद में रिफंड में दिक्कतें भी काफ़ी लोगों को आई थी, जिस तारीख को रिफंड मिलना था, क्योंकि जिसको अलॉट हो गया तो चलो ठीक है, लेकिन जिसको अलॉट नहीं हुआ था, ठीक है, उनको रिफंड नहीं मिल रहे थे उस तारीख को, जिस तारीख को इनको मिलना चाहिए था। तो ट्विटर पे बड़े ट्रेंड चले थे इसको लेकर। और जहाँ तक इसका जो हाई है वो उसी दिन का है जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई थी, 43.95 रुपीज़। लो इसका 33 रुपये के करीब का है। मार्केट कैप इसका 1,065 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाएंगे तो कंपनी में इनके जो रिजल्ट्स हैं उसको लेकर अभी तक तो कोई डेट सामने नहीं आई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आ जाए, ठीक है, और अच्छे नतीजे आए इनके। अभी हाल फिलहाल में दिसंबर के नंबर्स आए थे मार्च में, कि देखो ये छोटी कंपनी होती है वो क्वार्टरली अपडेट नहीं देती है, वो हर 6 महीने बाद देती है। तो जब लिस्टिंग हो गई इनकी तब इनको देने पड़ते हैं, ठीक है, तब देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इनके वैल्यूएशन की मैं बात करूँ तो सस्ता है, 16-17 का PE है, सेक्टर भी 50 का सस्ता है यहाँ पर। लेकिन कोई भी एनालिस्ट अपनी रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रही, क्योंकि रिसेंट लिस्टिंग में जनरली लोग अवॉइड करते हैं। फिनांशियल्स अगर आप देखो तो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर थे वो उतने अच्छे नहीं थे, एवरेज थे मैं कहूँगा यहाँ पर, और मार्केट ने उसको अप्रिशिएट नहीं करा था, जो भी नंबर थे उसको मार्केट ने अप्रिशिएट नहीं करा था, उसके बाद लगातार ये गिरा भी था। रीज़न ये है
कि प्रॉफिट इनका सिर्फ 10.5 करोड़ का हुआ था, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 28 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल इसी क्वार्टर में दिसंबर में 22 से 23 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कम प्रॉफिट हुआ, आधा हो गया, और जबकि रेवेन्यू बढ़ गया है। 525 करोड़ का रेवेन्यू को इसने कमा कर दिया था, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 340 करोड़ का था, पिछले साल 400 करोड़ का था। तो रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी थी यहाँ पर, लेकिन प्रॉफिट में वो तेजी नहीं आई। मार्जिन पे दबाव डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिला है। और इस बार के नंबर्स इंपॉर्टेंट भी होने वाले, मार्च के जो जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, अभी तक कोई डेट नहीं है कि कब आएंगे, लेकिन नंबर इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि इससे पहले का दिसंबर क्वार्टर जहाँ रेवेन्यू 525 करोड़ का था और पिछले साल मार्च का 420 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, और प्रॉफिट 22 करोड़ का था मार्च में और यहाँ पे 10.5 करोड़ का था। तो जो एक्सपेक्टेशन होगी वो यही होगी कि भैया इनके जो नंबर्स आए वो एटलीस्ट ये प्रॉफिट 22 करोड़ के प्रॉफिट को बीट कर पाए, उससे ज़्यादा क्या है। और रेवेन्यू भैया 500 करोड़ से ज़्यादा के दिखने चाहिए यहाँ पर। अगर नहीं आते तो मार्केट उसको अप्रिशिएट पहली चीज़ नहीं करेगा, और उसके हिसाब से मार्केट में आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। तो पहली चीज़ तो मैं इतना ही कहूँगा यहाँ पर कि अगर आप मैं इसको ग्राफ भी ऑब्जर्व करा तो ये लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, तो तेज़ी आ रही है, वो 1-2 दिन की तेज़ी आ रही है, ज़्यादा भरोसा उसके ऊपर कर नहीं सकते हैं। तो जब तक नतीजे ना आ जाए तब तक दूर बैठो, तमाशा देखो, जब तक रिजल्ट्स ना आ जाए। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में हम बात करें तो प्रमोटर के 73.33% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, डोमेस्टिक 2% पर है, डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशन है वो 6.46 FIIs, बड़ी क्वांटिटी है FIIs के पास, रिटेल उससे ज़्यादा क्वांटिटी में है। भाई साहब देखो यहाँ पर अगर आप इंस्टीट्यूशंस में देखोगे तो म्यूचुअल फंड मिसिंग है, डोमेस्टिक अगर आप देखो तो 2% है, FIIs बड़ी क्वांटिटी में है ज़रूर, लेकिन रिटेल 17.31%। और देखो अब जो भी रिसेंट लिस्टिंग होती है ना वहाँ पे शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा मायने हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जब अच्छी खासी लिस्टिंग हो जाती है तो जो इंस्टीट्यूशन बड़ी क्वांटिटी में होते हैं वो बिकवाली भी कर देते हैं। इरडा में हमने वो चीज़ देखी है, ठीक है, इरडा में वो चीज़ हमने देखी है कि इंस्टीट्यूशन भाई सब लगातार बेच भी रहे थे। इसके अलावा एक दो और कंपनी है जो रिसेंट लिस्टिंग हुई थी जहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली है। तो यहाँ पर मुझे ये देखना है कि अगले क्वार्टर में क्या चीज़ें देखने को मिलती है लिस्टिंग के बाद की, कि प्रॉफिट टेकिंग किसने करी और कौन यहाँ पर होल्ड कर रहा था, वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। और रिटेल इन्वेस्टर की 17.31% का स्टेक है, 0.90% अदर पार्टीज के पास है। देखिए मुक्का प्रोटीन को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा यहाँ पर कि अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे हो ध्यान से तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, साइलेंटली ही सही लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप इसका 2 महीने का ग्राफ देखोगे तो आप देख सकते कि 22 मार्च से लेकर अब तक बहुत ही साइलेंटली गया है, ज़्यादा आपको पता भी नहीं चला कि 10% ही गिरा है, ऐसा आपको लगेगा 10 से 12% का ही करेक्शन है, लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं है। चलो बाजार में गिरावट अभी अगर आप देखोगे तो ये हफ्ता कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल गई, इवन उससे कुछ दिन पहले थी, लेकिन ये उससे पहले ही गिरावट दिखा रहा था जबकि बाजार बहुत अच्छे मूड में था। ठीक है, मार्च अप्रैल में बाजार अच्छे मूड में था, तेज़ी हमें देखने को मिली है मार्च अप्रैल में, मई में थोड़ा बहुत धोखा मिला ज़रूर है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मई भी अच्छा हो पूरे बाजार के लिए। लेकिन मुक्का प्रोटीन में इतना कहूँ कि या तो किसी एक लेवल पे स्टेबल हो जाए या तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाए, तब तक यहाँ पर एंट्री करने के मौके नहीं है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मुक्का प्रोटीन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।